नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 8 ऐसी सब्जी बताऊंगा कि आप सिर्फ 45 दिन में उगा के इसमें हार्वेस्ट कर सकेंगे। ये पहला है लोबिया या फिर बरबटी, इसको भीगना अंगुईकुलाटा कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम। और ये अगर आप बीज से उगाएंगे तो 3-4 दिन में इसकी बीज से पौधे उग आते हैं और सिर्फ 45 दिन में आप इसमें से हार्वेस्ट ले पाएंगे। 30 दिन में इस पौधे में फूल आ जाते हैं और ये देखिए कितने लंबे, करीब 1 से 1.5 फुट लंबा ये बीन्स होते हैं, ये लंबे बीन्स। तो ये ज़रूर लगाइए, काउपी या फिर ये जो है एस्परगस बीन या फिर बरबटी, ये 45 दिन में आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरा मैं जो दिखाता हूँ ये है क्लस्टर बीन, जिसको ग्वारफली कहते हैं। और ये पौधा आपका 3-4 दिन में उगने के बाद सिर्फ 20-25 दिन में फूल आ जाते हैं और 35 से 40 दिन में इसमें फल आ जाते हैं। बहुत जल्दी उगने वाला है, इसमें काफ़ी फल आता है। क्लस्टर बीन या ग्वारफली ज़रूर से आप उगाइए, गर्मी के दिन के लिए बहुत आशीर्वाद है ये खेती के लिए, तो आप ग्वारफली ज़रूर उगाइए। दोस्तों तीसरा मैं बताता हूँ बैंगन, अगर आपके पास पौध तैयार है तो आप पौध लगा दीजिए, छोटे वाले बैंगन जो है आप उगाइए और सिर्फ 30 दिन में इसमें फूल आने लगेंगे और 45 दिन में इसमें फल आ जाएंगे। ये देखिए करीब मेरे 40 दिन के ये पौधा है, 40 दिन पहले मैंने उगाए थे छोटे छोटे पौधे और ये देखिए बड़े हो गए हैं, फूल भी आने लग गए हैं और अब देखिए इसमें कुछ 1-2 फल भी आने लग गए हैं। ये पर्पल कलर के ले सकते हैं, लाल कलर के ले सकते हैं या फिर ग्रीन कलर के, ये पर्पल कलर का वैरायटी है। बहुत जल्दी ग्रो करते हैं ये बैंगन, ज़रूर उगाइए आपके बागान में। दोस्तों चार रही है खरबूजा, खरबूजा तो इतनी तेज़ ग्रो करते हैं, सिर्फ 40 दिन में ये देखिए खरबूजा उग गया है, इसमें काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है। 3-4 दिन में बीज से पौधा उग जाता है और 30-35 दिन में इस पर फूल आ जाते हैं और 45 दिन में इस पर फल आ जाते हैं। ये देखिए कितने सारे, कम से कम भी सैकड़ों फल मेरे इस गार्डन में छोटी सी जगह पर है। और थोड़ा सा मचान बना दीजिए, उसमें चढ़ा दीजिए और नीचे से इसमें काफ़ी काफ़ी सारे खरबूजे आते रहेंगे और मुँह में उम्मीद है कि और अगले 15 दिन में ये खरबूजे पक जाएंगे, इसका हार्वेस्ट करने लायक हो जाएंगे। और ये देखिए 2-3 वैरायटी के हाइब्रिड वैरायटी के आते हैं खरबूजे, कोई भी वैरायटी का आप ले लीजिए और काफ़ी मीठे होते हैं, गर्मी के दिन में ये काफ़ी जल्दी पनपते हैं। इसमें खाद भी बहुत कम चाहिए, पेस्टिसाइड भी बहुत कम चाहिए क्योंकि इसके कीड़े मकोड़े काट बहुत कम होता है। खरबूजे आप जरूर उगाइए गर्मी में 45 दिन में हार्वेस्ट लेने के लिए। अगला जो मैं बताता हूँ ककड़ी, ककड़ी भी बहुत तेज ग्रो करती है, ये भी खीरा की जैसी ही लगती है। खीरा कोई भी क्यूकरबिटिस के फैमिली के पौधा है, क्यूक्यूमिस मेलो यूटिलिसिमास इसका है, लंबी होती है और इसको करीब आप जब फल लगे 15 दिन के अंदर इसको तोड़ लें, क्योंकि ज़्यादा पक्का मत करें, ज़्यादा बड़ा नहीं करें फल को, और करीब 1 फुट का करीब लंबा हो जाए तो ज़रूर से आप तोड़ लें। बहुत तेज़ ग्रो करती है ककड़ी, ये टेस्टी होती है, ये कच्चे खाएं, रॉ खाएं, सब्जी बनाएं, तरह तरह के यूज हो सकते हैं ये ककड़ी, तो ज़रूर से आप लगाइए ये ककड़ी 45 दिन में आपको हार्वेस्ट करने के लिए। और करीब 3 से 4 महीने तक इसमें से आप लगातार फसल लेते रहेंगे, ककड़ी ज़रूर उगाइए गर्मी के दिन में। दोस्तों अगला पौधा है ये मालाबार स्पिनाच, जिसको हम पोई कहते हैं। ये लीफी वेजिटेबल में बहुत अच्छा है, बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो 30 दिन में से 40 दिन में पूरा हार्वेस्ट कर सकेंगे बेसल अल्बा ये पोई। अब जो मैं बताता हूँ ये करेला है और ये भाइन आपको करीब 40-45 दिन में फूल लेकर छोटे छोटे फल लगने शुरू हो जाते हैं और ये साल भर आपको फल देते रहेंगे। करेला काफ़ी लंबा चलने वाला पौधा है करेला, और इसमें कीड़े मकोड़े का अटैक बहुत कम होता है। ये भाइन ऊपर आप फेंस में भी चढ़ा देंगे तो तब भी चल जाएगी, ये भाइंस बहुत जल्दी ग्रो करती है। एक बार पौधा लगा दीजिए और इसमें लगातार इसमें फल लेते रहेंगे करेला, तो बहुत आसानी से हो जाता है करेला, इसमें ट्रीटमेंट भी बहुत कम ज़रूरी पड़ती है। दोस्तों अगला ये जो मैं बता रहा हूँ ये अंगूर है, ये बेल मैंने लगाया, ये कम से कम भी 2 साल चाहिए, मैंने इसमें दिखा दिया क्योंकि अभी अभी मैंने अंगूर का पौधा लगाया है, करीब 2-3 महीने पहले इसके भाइंस ग्रो करेगी। इसका 2G 3G कटिंग में भी दिखाऊंगा कैसे आप अंगूर ग्रो कर सकते हैं, बीटिस एमरेंसिस, ये बहुत अच्छा काला वाला मीठा वाला अंगूर है, मेरा पौधा हुआ है अभी अभी, बाद में मैं इसका भी अपडेट आपको दिखाऊंगा कि कैसे अंगूर ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो है लूफा, जिसको हम तोरई या गिलकी कहते हैं, और ये बहुत तेज़ ग्रो करने वाला है, आप 20 से 3-4 दिन में इसके सीडलिंग हो जाती है। और लूफा एजिप्सिटी का ये जो है आपका लोकई या तोरई जो है इसको हम कहते हैं गिलकी, और ये बहुत इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं और बहुत हरी सब्जी हमें काफ़ी अच्छी होती है, तो ज़रूर आप गिलकी या तोरई लगाइए
और बहुत तेज़ आप 40-45 दिन में इसमें हार्वेस्ट करने लायक हो जाती है। दोस्तों ये पूरा वीडियो उम्मीद है पसंद आया, पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी भाषा में नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूं। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल में आते रहिए, मैं जानकारी देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।